नमस्ते यार, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। दिस जर्नी डायलॉग्स में आपका स्वागत है। और ये मेरे लिए, ये वाला डायलॉग मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरे सारे बाकी के जो डायलॉग रहे हैं वो अंग्रेजी में रहे हैं। उसका अपना स्थान है, और आपके साथ जो डायलॉग होने वाला है उसका भी अपना एक मुख्य स्थान है। सो मेरे लिए भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है ये। जी कुछ शब्द अगर मेरे सही नहीं हो हिंदी के तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी में इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, इतनी सरलता से नहीं बोल पाता। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। दया दया, आपका बैकग्राउंड और आप जो करते हैं बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है। क्यों ना हम अपने क्यों क्यों ना हम आपके बचपन से शुरू करें। आप अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादें अगर हमसे शेयर करें तो। जी जरूर। देखिए, मेरा बचपन तो एक गांव में ही बीता है और एक साधारण परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। हम तीन भाई बहन हैं, एक बड़े भाई हैं और हम दो बहनें हैं। तो पिताजी मेरे ये होमगार्ड सर्विसेज में थे, मिलिट्री सर्विस में थे मेरे पिताजी। तो उनका रुझान बहुत ज्यादा था मेडिसिनल, ये जो प्लांट्स होते हैं और दवाइयाँ वगैरह भी बनाते थे वो। जब भी उनको समय मिलता था, छुट्टियां होती थी, तो फिर बस हमारे घर में वैसे मेरे दादी जी थे जो ये जड़ी बूटियों का काम करते थे। हमारी जॉइंट फैमिली रही है शुरू से। तो जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे घर में उस समय तो मेरे पिताजी, माताजी और हम तीन भाई बहन और मेरे दादाजी थे। मेरे दादी जी गुजर चुके थे उस समय जब मेरा जन्म हुआ था। तो वो जो दादी जी से ज्ञान पिताजी को मिला था जड़ी बूटियों के बारे में, उसी के अनुसार वो तो बहुत लोगों की सेवा करते थे। मतलब संडे का दिन होता था या जब भी उनको समय मिलता था तो उनकी पोस्टिंग हमारे गांव से 7 किलोमीटर दूर थी। तो उस समय के लोगों के लिए तो मतलब पैदल जाना, पैदल आना। और मेरे पिताजी तो वैसे भी बहुत एक्टिव रहे हैं हमेशा ही, और एक बहुत अच्छे आदर्श इंसान भी मेरे पिताजी रहे हैं। तो उनको देख देख करके, जब वो जंगलों में जाते थे फिर लोगों के लिए वो जड़ी बूटियां ला करके उनकी सेवा करते थे, तो बस उनके साथ साथ में मेरा भी वैसे ही बचपन बीता वो चीजें देख के। तो मैं अपना एक बचपन का आपके साथ वाकया वो थोड़ा शेयर करना चाहूंगी, प्लीज। बांटना चाहूंगी। तो मैं क्या करती थी कि जब मैं शायद 6 7 साल की थी तो पिताजी जंगल जाते थे, और माताजी का तो कंसर्न रहता ही है कि बच्चा अगर छोटा है जंगल में जाएगा तो कहीं लग जाएगी, गिर जाएगी। तो मैंने अपने पिताजी के पीछे भागना, मतलब बिना चप्पल से ही नंगे पाँव, कि वो चले हैं जड़ी बूटियां ढूंढने तो मुझे भी जाना है। तो मम्मी को वो होता ही था कि जी नहीं जाना है, छोटी है अभी नहीं जाना है। तो कई बार बिच्छू बुट्टी से भी पिटाई हुई है। बिच्छू बुट्टी हमारे एक घास होती है, मतलब झाड़ी सी होती है, हिमाचल में तो सभी जानते हैं। तो उससे भी पिटाई होती है, उससे ईचिंग हो जाती है सारी बॉडी में। मतलब साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, ब्लड साफ हो जाता है पर लगती बहुत जोर से है। तो मम्मी ने वो भी ट्राई करके देख लिया, कुछ नहीं मिलना है तो नंगे पाँव भागना है, पर उनके पिताजी के साथ जंगल में जाना ही है। तो इस तरह से वो जड़ी बूटियां ढूंढते और मैं भी उनको उठा उठा करके उनके पीछे पीछे चल करके बचपन से ही मतलब उनके ही पिताजी के ही पीछे घूमना और वही सीखना। तो जैसे जैसे बड़े होते रहे तो पापा पिताजी वो पीसते थे दवाइयां ना सिलबट्टे पे, तो वो मैं भी साथ में पानी का लोटा लेके उनके साथ में पीसना सीखना। तो वो बचपन से ही फिर उन लोगों को देखना जो ठीक होते थे ना जी, जैसे आते थे उनके पास, मैं बहुत सेवा करते थे लोगों की पिताजी मेरे। और उनका सपना भी था वो एक की लोगों को क्योर करना है, जैसे मेरे दादी करते थे उस समय में। पर दादी जो थे लेडीज का, आपको पता है घर के काम भी बहुत रहते हैं, तो गांव के लोग तो आते हैं बट बाहर के लोगों को इतना वो नहीं कर पाते। पर पिताजी के पास तो दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और यहाँ हिमाचल के भी बहुत सारे जगहों से लोग आते थे। तो कुछ लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता था, जिनको पीजीआई चंडीगढ़ से भी छोड़ दिया जाता था, तो पिताजी भी उनका भी इलाज करते थे।
और 5-6 महीने में उनको बिल्कुल ठीक करके घर भेजते थे वो। तो उसके अलावा कोई फोड़ा, फीसियाँ, स्किन डिसीजेज होते थे, बहुत सारे लोग थे जो चल नहीं पाते थे, कुछ को अर्थराइटिस, वो जोड़ों के दर्द हो जाते थे। तो मतलब जब लोगों को क्योर होते देखते थे ना कि वो दुख तकलीफ में आ रहे हैं, बहुत मायूस होकर आ रहे हैं, और फिर कुछ समय के बाद 2-3 महीने बाद वही लोग बहुत खुश होकर के, और बिल्कुल, इवन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके सिर के बाल चले गए हैं, सारी स्किन पे उनको इचिंग है जो कैसे भी ठीक नहीं हो रही है, और सारे सिर में मतलब वो फींसिया हुई है, पसा पड़ जाता है ना वो बहुत ज्यादा। तो उनको भी वो मलहम लगाते थे जड़ी बूटियों का। तो उस उन चीजों को देखते देखते एक वो जो खुशी होती थी ना उन लोगों के फेस पे, वो मुझे अभी तक याद है कि लोग ठीक होकर जा रहे हैं। फिर वो पिताजी को बोलते थे कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कभी भी पिताजी तो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। तो वो क्या करते थे लोग कि हम लोगों के लिए ना एक, जैसे यहाँ पे तो बोलते ना कि पार्टी करनी है तो वो भंडारा बोलते हैं कि अच्छे अच्छे वो खाने के लिए मिलेगा 6-7 चीजें हमें, तो हम खुश हो जाते थे कि हाँ, अब ये ठीक हो गए ना तो हम लोगों को खाने के लिए अच्छा खाना मिलने वाला है। तो इस तरह से ही होता था कि जब कोई लोग ठीक होकर जाते थे तो वो हमारे घर में अच्छे चावल, कई तरह की सब्जियां, वो बाहर एक वो गांव में होता है ना कि मिट्टी खोद देंगे, फिर वो उस पे एक बड़ा सा बर्तन रखते हैं ना, वो धाम की तरह होता है कुछ हमारे यहाँ पे, तो 5-6 सब्जियां बनेगी, तो वो भी एक खुशी रहती थी कि जो ही ठीक होगा वो हमको धाम खिला के जाएंगे। मतलब उस तरह का एक कल्चर रहा है, और वो एक भावना भी रहती है कि लोगों की सेवा करें, जैसे हमारे पिताजी, पापा का, मेरे पिताजी का सपना रहा है हमेशा से। तो बस उन्हीं से सीखा है सारा वो जड़ी बूटियों का, जितना भी कर पाती हूँ आज ना जी मैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दया, जी ये जो आप सीखे बचपन में, शरार शरारत तो नहीं कहूंगा, शिद्दत कहूंगा, सिंसेरिटी कहूंगा कि आप मार खाने फिर भी जाके सीखते रहे, पर जैसे आप बड़े हुए, जैसे आप जैसे जैसे आप जीविका की तरफ बढ़े, गृहस्थ जीवन की तरफ बढ़े, उस तरह उस दौरान किस तरह से आपने इन चीजों को साथ में रखा, प्रैक्टिस किए, उसके बारे में अगर थोड़ा दर्शन हो तो। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा जन्म हुआ है, तो वहां पे ये होता था कि बेटियां हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा देते थे, और बाद में वो मैरिज का होता था तो मेरी उम्र भी काफी कम थी, 18 साल की मैं उस टाइम हुई थी कंप्लीट, तो मेरी भी शादी करवा दी गई थी, अरेंज मैरिज जैसे करते हैं गांव में। तो मेरे भी ये भी सपना था, और साथ में पढ़ाई का भी था कि मुझे तो पढ़ना है पढ़ना है। तो शादी हो जाने के बाद में जो इन लॉज थे वो भी हमारे जैसे ही थे, मतलब मध्यम वर्गीय परिवार था, तो वहां पे भी 3 काउशेड थे, बकरियां थी, और बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो साथ में फिर वो सब कुछ होते भी हुए भी मैं वहां भी जंगलों में जब जब जैसे समय लगता था बस जड़ी बूटियां इकट्ठी करके छोटे मोटे इलाज करती रहती थी वहां पे, फिर बच्चों के साथ में थोड़ा फाइनेंशियली भी, फिर जब बच्चे हो जाते हैं, 2 छोटे बच्चे भी हो गए थे, तो बेटी मेरी 3 साल की थी, बेटा 3 महीने का था उस समय से। मतलब मुझे भी वो था मतलब कि अब आजीविका चाहिए, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड भी बेरोजगार हैं गांव में, तो वैसे ही होता है। तो उन सब के चलते अपनी पढ़ाई भी बहुत जारी रखी, बहुत सारे चैलेंजेस भी आए फाइनेंशियली भी, तो किताबें उधार ले लेकर करके मैं पढ़ाई भी करती रही, गवर्नमेंट स्कूल से +2 किया, फिर ग्रेजुएशन किया, PGDCA किया, MBA में एडमिशन लिया, साथ में गांव में मैं बच्चों को पढ़ाती थी, एक वो होता है हमारे ना जी ICDS डिपार्टमेंट होता है, तो सेमी गवर्नमेंट ही होता है, तो वहां पे 4 साल पढ़ाया मैंने साथ में ही बच्चों के साथ भी, और वो भी करती थी जड़ी बूटियों का छोटा मोटा काम जितना, पर वो सपना था, वो मरने तो नहीं देना था मैंने कभी, तो सास में मैं करती जाती थी, पर उतना अच्छा तो नहीं कर पाती थी क्योंकि बच्चे भी हैं, जॉब भी है, घर की जिम्मेदारियां भी है, तो वहां भी जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो 2005 से
2005 में मैरिज हुई थी, और दिसंबर 2008 तक आते आते मैं काफी दवाइयां वगैरह वैसे ही देती रहती थी गांव में, जैसे पापा को पापा देते थे ना मेरे, किसी को पीलिया हो गया, किसी को सिर दर्द हो गई, जुखाम खांसी, और ये मतलब जैसे होता है ना कि वो मिर्गी, सुना है आपने, वो दौरे से बिल्कुल पड़ते हैं बिल्कुल उन बिल्कुल एपिलेप्सी तो होने लोगों से। को फर्क पड़ा, किसी को वो जोड़ों की दर्दें होती है, उनको भी वो काढ़ा बना बना करके देना। तो उनके चलते चलते 2008 में वहां पे वो जॉब खत्म हो गई थी, जो वहां पे थी ना टीचिंग का जॉब था 4 इयर्स में। उसके बाद में चैलेंज आया कि अब जीविका भी चाहिए और घर भी चलाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। तो उनके चलते चलते वहां पे मैंने एक स्कूल नहीं था वो, एक इंस्टीट्यूशन था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पे मैंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया था। धामी जगह है, यही शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो वहां पे और भी अच्छा कर पाई मतलब मैं, क्योंकि वहां पे ये हो गया था कि थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मुझे एक जॉब मिली थी, वो भी 4 इयर्स के ही लिए थी, बट साथ में जो समय मिलता था, फिर वहां मैं जंगलों में जा जा करके वो जड़ी बूटियां भी इकट्ठी करनी, और फिर वहां थोड़ा पॉपुलेशन भी ज्यादा था, इसलिए लोगों से रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा था। तो मैंने वहां पे जो हमारा मतलब किराए का ही कमरा लेना पड़ा था उस समय मुझे, तो वहां एक गार्डन बना लिया था। फिर गार्डन से दवाइयां दे दे करके लोगों को, कोई बाल झड़ने की दवाइयां है, और स्कूल में उसके बाद मैंने 2016 में मतलब 2008 से 12 तक तो वहीं पढ़ाया गांव में, फिर 12 से 2016 तक मैंने उसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, एक वो था आलमा इंस्टीट्यूट के नाम से था। फिर उसके बाद में जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे धामी पब्लिक स्कूल में, फिर मैंने वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वहां स्कूल में भी मुझे ना वैद्य जी करके ही बुलाते थे टीचर्स उनको काढ़ा है, सर्दी है, जुकाम है, उस तरह से मतलब वो जारी रखी सारी चीजें। किसी के बच्चे बीमार हो रहे हैं तो पड़ोसी आ जाते थे कि जी जल्दी से दवाई दे दीजिए, बच्चे का पेट खराब है या कुछ भी है। मतलब वो ट्रस्ट तब हो जाता है ना जी, जब मतलब बिल्कुल विश्वास बनता है लोगों का, जब उनको फर्क पड़ता है, कुछ वो लाभ मिलता है। तो बस उस तरह से चलता रहा, साथ में जॉब भी जरूरी थी, बच्चों का पालन पोषण भी जरूरी था। तो मतलब चलो वहां पे काफी अच्छा था कि मैं कुछ शीशियां बनाकर रख देती थी और वो लोग आते थे तो उनको देती थी, और बहुत अच्छा भी लगता था मुझे वो सब कुछ। फिर उसके बाद में 2016 से 21 तक मैंने वहीं पढ़ाया धामी में। फिर 21 के बाद 2021 से अभी तक मैं यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था, हमारे एक ये फर्म है वैदिक विलेज एंड इंस्टीट्यूट के नाम से। तो इनके साथ में मुझे और ज्यादा मौका मिला इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि फिर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे 28 बीघा जमीन है आजकल जहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो उस 28 बीघा जमीन में 500-600 पौधों का प्लांटेशन हो चुका है, जिसमें से अब तो देखिए पहले जंगलों से ही लाती थी, अब एक ऐसी जगह भी मिल गई है जहाँ पे मतलब काफी बड़ा एरिया है और मैं वहां पे उगा रही हूँ। गिलोय है, ब्रह्मी है, तुलसी है, अश्वगंधा है, नीम है, आंवला है, अशोक का ट्रीज है, जो अशोक का ट्री की छाल, उसके बेनिफिट्स मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी थोड़ा औषधि हूँ ये मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताऊँ मैं आपको। मुलेठी है, और गोखरू कांटा होता है एक, गोखरू कांटा है, कक्कड़ शिंगी है, धृत कुमारी है, बनफ्शा है, बाकी मतलब नाम लेते लेते तो 200-300 भी हो जाएगी जो ये जड़ी बूटियां है ना जी। तो अजवाइन है, तेज पत्ता है, लेमन ग्रास है, और वहां पे वीट ग्रास है, बहुत सारी ऐसी मतलब उगाए हैं मैंने ना जा करके प्लांट्स। तो उनसे क्या है कि अब जैसे देखिए गिलोय है, तो गिलोय तो अपने आप में ही अमृत बेल है उसका नाम, तो उसका आप काढ़ा ले लें बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो अपने बच्चों को जब भी बीमार होते हैं बचपन से ही तो वो काढ़ा ही देती हूँ, सर्दी खांसी जुखाम जो भी, डेंगू बुखार अगर बच्चों को होता है, इवन फीवर भी मेरे बच्चों का तो इसी से ठीक होता है जब भी उनको हो जाता है ना ये चीजें। तो ब्रह्मी है,
उसका वो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, नर्व सिस्टम को वो शांत करने के लिए है। आपका ये तेज पत्ता उसमें काढ़े में ही डलती है, बहुत सारी चीजें सत्व बनाते हैं। नीम है, नीम जो उगाए हैं वहां पे ना जी पेड़, तो नीम के पत्तों से तो आप वो इचिंग के लिए, नहाने के लिए, उसको जलाने से भी मक्खी मच्छर भाग जाते हैं। उसका आप किसी तरह से काढ़ा ले लें तो वो ब्लड प्यूरिफायर है, स्किन डिसीजेज के लिए है। उसकी शहद के साथ पत्तों को पीस करके पेस्ट बना के उसकी गोलियां बना लेते हैं, वो भी है। मतलब एक से एक आपको बेनिफिट मिलते हैं। अश्वगंधा है, उसका चूर्ण बनाकर, शतावरी है, और ये मुलट्ठी है खांसी के लिए। मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि एक ही बेनिफिट है, पर बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं ना इन चीजों के, कि आपको किस तरह से चूर्ण बनाना है, किस तरह से सत्व बनाना है, वो चीजें भी हैं जो मैंने पिताजी से ही सीखी है अपने। और बाकी हल्दी है, सहजन हल्दी भी आपको पता ही है कि दूध में पी ले, या आप ऐसे भी खा रहे हैं, कच्ची हल्दी है खाने में खा रहे हैं, तो वो आपके लिए वरदान है। मतलब जो हम औषधियां उगाते खेतों में कोई भी। और आपका ये कक्कड़ सिंगी होती है एक, वो कक्कड़ सिंगी पेड़ पे लगती है, तो उसको सुखा करके उसका ना भस्म बनाते हैं, फिर भस्म बनेगा। और उसके साथ वो जो अनार होते हैं, दाड़ू होते हैं, वैसे वो खट्टे वाले अनार तो मीठे हैं, दाड़ू बोलते हैं हम अपनी यहाँ पे लैंग्वेज में, तो उसका भी भस्म बनाकर शहद के साथ, काली मिर्च, अजवाइन और दो तीन चीजें उसमें डलती हैं, तो वो भी एक काली खांसी के लिए, दमा जो अस्थमा है उसके लिए बहुत ही कारगर एक मेडिसिन बनती है। और बाकी आपका वो जो गोखरू कांटा है, एक गोखरू कांटा होता है, वो कांटे के ही आकार का होता है छोटा सा, तो उसका काढ़ा बनाने से, जैसे ये यूरिक एसिड है, और आपका यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, किडनी स्टोन, जी उसको जी पीने से किडनी का स्टोन खत्म हो जाता है। एक पत्थरचट का पौधा होता है, उसका पत्ता चबाएंगे आप सुबह एक, तो वो भी पथरी जो है आपकी, उसकी स्टोन को खत्म कर देता है। बनफशा है, वो आपका एंग्जाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए उसका वो काढ़ा दिया जाता है। बाकी एक मैं आपको रेयर मशरूम के बारे में बताना चाहूंगी, जो आजकल भी मैं लाई हूँ जंगलों से निकाल करके। होता तो वो बहुत मुश्किल है कि जी जा रहे हैं जंगल में, अब दो तीन जंगल छानेंगे, फिर कहीं एक जंगल में मिलेगा, कभी आपको एक गुच्छी मिलेगी पूरा दिन में, कभी वो भी नहीं मिलेगी, और कभी आपको 100 भी मिल जाएगी, तो ढूंढनी बहुत मुश्किल है। और वो उगती भी मार्च से अप्रैल मई तक रहती है, वो जब वो आसमान में लाइटनिंग होती है ना, बारिश और बिजली चमकेगी, तो जहाँ पे बिजली गिरती है उस जगह पे वो गुच्छी उगती है, तो वो रेयर ही जगहें होती है, और थोड़ी नमी वाली जगहें होती है, और बहुत ही मुश्किल होता है उन जगहों तक पहुंचना। तो वो जो है गुच्छी, उसमें विटामिन डी बहुत ज्यादा पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, और आपका वो सबसे ज्यादा आपके दिल के लिए अच्छी होती है गुच्छी। तो उसके और भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, आपकी एजिंग कम करती है, तो उसका आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो 17,000 से 34,000 तक पर केजी उसका रेट रहता है मार्केट में। तो इस तरह की चीजें हैं। बाकी एक कीड़ा जड़ी भी होती है यहाँ पे हिमालय में ना, कीड़ा जड़ी वो एक तरह का फंगस होता है, जिसको वो जमीन में, मतलब कैटरपिलर, जैसे आपने लार्वा सुना है ना, बिल्कुल 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 उसके जमीन में रह जाने के बाद वो ना एक जड़ी के रूप में निकलता है, जैसे जड़ी बूटी होती है। अभी भी मेरे पास है वो, मैं लाई नहीं हूँ, आपको दिखा सकती हूँ, नेक्स्ट दूसरे रूम में है तो दिखा दूंगी वो मैं आपको। तो उसको भी स्टेमिना के लिए, जैसे हमारे ये एथलीट्स होते हैं ना, वो यूज करते हैं, और वो भी एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, और बहुत ही मतलब रेयर है वो भी। वो तो 64-60,000 रुपीज पर केजी उसका रेट रहता है, तो वो भी ऐसे ही मुश्किल ढूंढनी है जैसे ये होती है ना गुच्छी। और बाकी तो शिलाजीत है, और बहुत सारी मतलब औषधियां हैं जो पाई जाती है ना यहाँ पे,
तो बस जी उनकी जानकारी मुझे पिताजी से ही मिली है, और मैं भी शिलाजीत भी देती हूँ लोगों को जब हम जाते हैं, पर है बहुत मुश्किल है, कभी ऐसे मौका मिल जाता है, खुद तो उतनी चट्टानों पे जा नहीं सकते हेल्प लेके, जैसे कोई भतीजू है हमारे या जिनका रुझान रहता है ना थोड़ा साथ में जा करके सब, तो वो भी लेकर आते हैं। बाकी तो औषधियां अनगिनत हैं, जितनी भी गिनाई कम है। वो तो आप कभी आए हमारे वहां पे ना, ये वैदिक विलेज एंड रिसोर्ट जहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ, तो आप जी देखेंगे कि काफी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी टारगेट तो है कि जी 500, 1000, 2000, वो तो कभी खत्म ही नहीं होना, बट चलिए अब देखें कितना कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये जानकारी शेयर करने के लिए शुक्रिया एक्चुअली। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि हर एक नाम जो आपने शेयर किए हैं उसके पीछे एक कहानी होगी, उसके पीछे एक ये जरिया होगा कि कैसे मिलते हैं, आप परख कैसे करते हैं, फिर उसका सेवन करने की कोई विधि होगी। तो इसको हम लोग किसी न किसी दूसरे एपिसोड में हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे थोड़े और विस्तार से। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो आप जिस मिशन पे हैं, इसको लेके आप इसकी कल्पना कैसे कर रहे हैं आगे चल के? देखिए अभी तो मैं जितना कर पा रही हूँ, ये तो मतलब ये है कि जानकारी नहीं होती है ना हमें। देखिए मुझे दवाइयों की जानकारी है, जड़ी बूटियों की मतलब जानकारी है, उसको कैसे यूज करना है वो भी सीखा है मैंने पिताजी से, और लोग क्योर भी हुए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर हमने यूज करना है इन दवाइयों को, लोगों तक पहुंचाना है, तो वो एक ना डिफिकल्ट टास्क रहता है स्पेशली हम लोगों के लिए, कि जी एक तो ठीक है मैं जंगल जा रही हूँ, मैं वहां से एक बोरी भर के ले आती हूँ मान लीजिए, अब जो तो सराउंडिंग में लोग हैं उनको तो मैं सेवा भावना से भी दे देती हूँ कि जी आप रख लीजिए, आप एक बार यूज करके देखिए, मेरा कोई भी अपना वो नहीं रहता इसमें कि मेरा कोई लालच छुपा है, मेरा तो सिर्फ ये होता है कि लोग पहचाने ये कि आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उससे लोग अच्छे हों, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि वो प्योर है, उसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं तो ये चाहूँ कि देश के हर कोने तक ये दवाइयाँ पहुंचे जिनकी मुझे जानकारी है, और लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, और मेरा मेरे पिताजी का सपना पूरा हो। जी हमसे जुड़कर अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी, अपनी इनसाइट शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दया। हम फिर आएंगे आपसे बहुत विस्तार बहुत से, धन्यवाद, हम फिर आएंगे विस्तार से आपसे जड़ी बूटियों पे और विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके लाभ के जी बारे में भी चर्चा करेंगे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।